नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरीलाल टीवी। मैं हूं आपके साथ नलिनी मिश्रा। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी का जो 400 पार का नारा था वह कोसों दूर दिखा और खास करके बीजेपी को सबसे बड़ा झटका अयोध्या से लगा। बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। इससे टीवी सीरियल रामायण के लक्ष्मण यानी सुनील लहरी काफी नाराज नजर आए हैं। उन्होंने अयोध्या में हार के बाद एक पोस्ट शेयर करते हुए अयोध्या के लोगों पर अपना गुस्सा निकाला है। बता दें कि बीजेपी के नेतृत्व में ही इस साल 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया था। हालांकि जब 4 जून को अयोध्या के जो लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए गए तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद से भाजपा के लल्लू सिंह फैजाबाद लोकसभा सीट से हार गए। वहीं से नाराज सुनील लहरी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अयोध्या चुनाव के नतीजों पर निराशा जताई। उन्होंने अयोध्या के लोगों पर अपने राजा को धोखा देने का आरोप लगाया और उन्हें स्वार्थी तक बता दिया। सुनील ने कहा, हम भूल रहे हैं कि ये वही अयोध्या के लोग हैं जिन्होंने वनवास से लौटने के बाद देवी सीता पर संदेह किया था। आप उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो भगवान को भी नकार देता है, स्वार्थी। इतिहास गवाह है कि अयोध्या के नागरिकों ने हमेशा अपने राजा के साथ विश्वासघात किया है, शर्म आनी चाहिए उन पर। इंस्टाग्राम स्टोरीज पर लहरे ने एक और पोस्ट शेयर की जिसमें लिखा, अयोध्या वासियों आपकी महानता को सादर नमन। आपने तो जब माता सीता को नहीं छोड़ा तो राम को टेंट से निकालकर भव्य मंदिर में विराजमान करने वाले को धोखा देना कौन सी बड़ी बात है, कोटि कोटि प्रणाम है आपको। वही सुनील लहरी के साथ टीवी सीरियल रामायण में श्री राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल भी इस बार चुनावी मैदान में उतरे थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मेरठ से लोकसभा चुनाव लड़ा और समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार सुनीता वर्मा के खिलाफ 10,585 मतों के अंतर से जीत हासिल की। वहीं सुनील लहरी के इस पोस्ट पर लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आप उनके इस ट्वीट को, इस पोस्ट को किस प्रकार देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए खबरीलाल टीवी।